मुझे एक चीज पूछनी थी कि मुझे अब इन किसी भी चीज में ना, बाहरी किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। मतलब मैं मोस्टली मैं 47 कंप्लीट होने वाली एज मेरी, और 48 में जाने वाली हूँ। तो अभी ठीक है कि बच्चे भी बड़े हो गए हैं या सारा कुछ सेटल है अपनी लाइफ में, सब कुछ है, बट मुझे इनर जर्नी करनी है। तो वंदना, आपका बात सही है कि आपको अंदर की दुनिया का एक चाहत या प्यास है, जी और कुछ लोगों को बाहर का दुनिया का प्यास है। जी बात एक ही है ना, आपका इच्छा अंदर की तरफ और मेरा भी इच्छा अंदर की तरफ है, और कोई बहुत लोगों का इच्छा बाहर की तरफ है, वो भी ठीक है, वो भी विश्व है, ये भी विश्व है। तो जिसको जैसा प्यास वो उस राह पे चले, लेकिन जो जो टूल्स है वो एक ही है, और जो तरीका है वो एक ही है, हो सकता है। तो जब हम बोलते हैं विजन बुक, अभी विजन बुक में आप कल से ज्वाइन करेंगे, परसों से शुरू कर देंगे विजन बुक लिखना। जब आप विजन बुक लिखेंगे तो आप बोलेंगे बाहर का मुझे कुछ चाहिए नहीं, तो नहीं लिखो, लेकिन अंदर का तो बहुत कुछ चाहिए ना, शांति, एटमेंट, जी मोक्षा या वगैरह वगैरह, क्या जो भी मेडिटेशन, पूजा पाठ, मुझे मालूम नहीं क्या चाहिए, लेकिन अंदर का एक प्यास है ना, जी बिल्कुल तो वो प्यास को बुझाओ, यानी कि वो प्यास के पीछे जाओ ना। तो वो प्यास में, वो प्यास के लिए भी विजन लिखना है। आपके मटीरियलिस्टिक विजन में कुछ ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन स्पिरिचुअल विजन में बहुत कुछ आएगा, स्वास्थ्य में बहुत कुछ आएगा, रिलेशनशिप में बहुत कुछ आएगा। बट वही चीज आ जाती है ना कि मुझे, मतलब मेरा विजन एक ही लाइन में खत्म हो जाता है कि मुझे दोबारा बर्थ नहीं लेना, मेरा एक ही विजन है। तो उसमें मतलब वो 10 चीजें लिखो या कैसे है, तो मेरे को सोचती हूँ कि मैं, मेरा एक ही लाइन में खत्म हो जाता है कि हाँ, कि मुझे ईश्वर में लय होना है, मुझे वापिस नहीं आना बस। तो गुरुजी ने बोला है, एक ही वाक्य उन्होंने मुझको भी बताया, एक ही वाक्य, कौन सा वाक्य? मैं सब में दिव्यता देखता हूं। जी तो अगर आप दिव्यता देखते हैं, या मैं और दिव्यता अलग नहीं है, मैं ही दिव्यता हूं, दिव्यता ही मुझ में है, अगर ये आ जी गया, इसमें उसके आगे कुछ है ही नहीं। लेकिन उसके आगे कुछ नहीं है मतलब हम नहीं लिखे, नहीं, वो तो अम्ब्रेला विजन है। उससे पहले वो तत्व को जीने के लिए मुझे ये जो दुविधा है, डुअलिटीज है, उससे पार होना है। और जितने भी मेरे रिलेशनशिप्स में है, उसमें कोई जजमेंट ना, कंपैरिजन ना, जजमेंट ना, ना कोई संकोच ना कुछ, ये स्थिति में जाना है। अभी वो स्थिति आ गया क्या? उस स्थिति में मैं नहीं, इतनी नहीं है, लेकिन 50% नहीं, है। हाँ, जो भी, 50 हाँ, तो बाकी 50 आपको लगता है, मैं बोलता हूँ 10% होगा, लेकिन आपको लगता है 50, तो आपकी बात भी सही है, लेकिन जब आप न्यूएंसेस में जाएंगे, सूक्ष्म में जाएंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि बहुत कुछ है अंदर। वो बहुत कुछ जो अंदर बाकी है, उसके लिए जी सक्सेस क्यों? सक्सेस कल्चर का मतलब है दो टाइप के सक्सेस, अंदर का सक्सेस, बिना 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 वजह खुश रहना, अंदर का सक्सेस। बाहर का सक्सेस जो है, बहुत होते हुए भी खुश रहना, बहुत ना होते हुए भी खुश रहना। जो खुश रहना है बिना कोई रीजन, वही सक्सेस है, और वही ये कार्यक्रम से। लेकिन कुछ लोगों का प्यास धन में है, बाहर है, वो भी ठीक है, उसमें क्या है, एटलीस्ट सत्य में तो जी रहे, तो बिल्कुल उनके लिए भी कार्यक्रम वो है, आध्यात्मिक लोगों के लिए भी कार्यक्रम हुई। क्योंकि आखिर में आप घर में रहते हैं, रिश्तेदार है, माँ, मम्मी डैडी है, हस्बैंड वाइफ है, बच्चे हैं, उनसे मोह मोह छुड़ाना है, तो वो मोह छुड़ाने के लिए अंदर की तरफ जाना है, तो ये भी लिखना है। तो आपके अंदर में रिलेशनशिप्स में बहुत कुछ आएगा, स्वास्थ्य में बहुत कुछ आएगा, और शायद धन में ज्यादा कुछ नहीं आएगा, ठीक है? जी तो जी सबके लिए ये कार्यक्रम है, जिनको अंदर सक्सेस कल्चर का मतलब है, रोज थोड़ा करो, रोज करो,
फिर उसको बढ़ाते जाओ जब तक आप सिर्फ ये करो और कुछ मत करो। ओके वंदना। जी और ये एक दिन में नहीं होता है, ये इसको एक आध साल लगेगा जहां आपको इसको पकड़ में आता है। तो सक्सेस कल्चर का मतलब क्या है, हम एक सेवक देंगे, सेवक आपका हाथ पकड़ेगी, वो जब पकड़ेगी आप उसका भी हाथ पकड़ना एक साल तक, तो आपको ग्रेजुअली मालूम पड़ेगा कि इसके अंदर में कितना डेप्थ है, नुएंसेस है, सूक्ष्मपन है, और वो करते जाएंगे तो फिर जाकर होता है। एक 10 दिन में नहीं होगा, 10-20 दिन में ना।